सो हेलो वेलकम बैक टू चैनल दिस दिस और संदीप भैया एंड इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ जिस एसपाय मतलब सबका एडमिशन होने वाला है क्योंकि आपके संदीप भैया है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कल जो लोग भी एग्जाम में बैठेंगे या फिर आने आ, आगे आने वाले टाइम्स में जो भी एग्जाम में बैठ रहे हैं भाई तुम अब ये सोच के मत बैठना कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा तुम इस सोच के फाइट मारना कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि एडमिशन तो ऑलमोस्ट सबका हो जाएगा चाहे आपकी तीस परसेंट आईल हो या चालीस परसेंट या पचास परसेंट परसेंट अब सवाल है कि क्या है? और अगर आप तीस परसेंट वाले, वाले बच्चे को एडमिशन दिला भी दोगे तो क्या इंजीनियरिंग कर पाएगा तो इसके बारे में, मैं आगे की में बात करूंगा देखो यार, मैं देखा कि कुछ लोग शर्माते हैं कि भैया में, है। में शर्माते हैं और कुछ लोग काउंसलिंग में ही नहीं बैठते हैं तो भैया इतना शर्माने की जरूरत नहीं है

एक मतलब माइंडसेट बना दिया गया है कोचिंगों द्वारा इसका ये भी एक बहुत बड़ा हाथ है उसके ड्रॉप लेने के पीछे कई लोग देखता हूँ डबल ड्रॉप ले लेते हैं और मुझे लगता है कि अगर यही एक्सटेंड किया जाए कि भैया चार साल तक चार बार तक आप देख सकते हो तो एक कोचिंग वाले चार चार बार उनको ड्रॉप दिलवा देंगे और पहले दिलवाते भी थे और अच्छा हुआ वो भला हुआ आई का जिसने क्या किया कि भाई साहब क्या करा कि उसने हटवा दिया कि नहीं भाई सिर्फ दो बार ही जी एडवांस दीजिए खैर इस बात को मैं करने नहीं आया हूं, मैं आपके लिए गुड न्यूज शेयर करने आया हूं और ये आपके लिए बड़ा जरूरी है आप जेई में कल देने जा रहे हो या फिर आगे आने वाले टाइम में देने जा रहे हो तो अब गुड न्यूज क्या है? पहले मैं आपको बता देता हूं तो देखो गाइज एग्जाम देने के बाद आपके मन में सिर्फ एक सवाल होगा सबसे पहला सवाल कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं मेरा कहा एडमिशन होने वाला है मुझे कौन से काउंसलिंग में बैठना चाहिए और मेरा एडमिशन होने वाला भी है या नहीं है सर मैं क्वालिफाई कर रहा हूं तो मैं जई एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करूं या कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेहतर है ये सबके मन में सवाल होगा जेई मेन का एग्जाम देने के बाद जैसे ही तुम एग्जाम दे आओगे हालांकि ये सवाल तुम्हारे मन में अब भी है लेकिन मैंने इसके लिए जैसे ही जेई मेन का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके अगले दिन का मैंने वेबिनार शेड्यूल कर

सजेशन दिया जाए आजकल के टाइम में बहुत सारे काउंसलर इधर उधर की बातें करके घुमाते हैं पर हमारा है कि भाई ये एक रुपए का वेबिनार है एक रुपए में मेरा और आपका कुछ नहीं जाएगा बट मैं चाहता हूं कि आप वेबिनार ज्वाइन करिए आपके मन में जो डाउट है एडमिशन से लेके एडमिशन से रिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछिए आप ले देखिए क्या होता है मैं देखता हूं हर साल बच्चा क्या करता है गलती कर देता है कोई काउंसलिंग नहीं करा करा रहा है, है शर्म के मारे कोई फॉर्म ही नहीं भर रहा है किसी को लग रहा है यार अस्सी परसेंट पे पर कहां एडमिशन मिलता है छोड़ो बी कर लेते हैं या छोड़ो हम कहीं और चले जाते हैं तो ऐसा ऐसा नहीं करना अपने करियर के साथ खिलवाड़ करने के बजाय आप हमें थोड़ा परेशान कर लीजिएगा कोई बात नहीं चलेगा आपको जो नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ लीजिएगा फॉर्म को गलत मत भरिएगा काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा अगर जोशा में नहीं हो रहा है एनआईटी एन नाए, आई आई एनआईटी में नहीं हो पा रहा है तो दूसरे कॉलेजों में ट्राई करिएगा अगर आपका मन जब तक इंजीनियरिंग करने का है आप तब तक ट्राई करिएगा लेकिन आप पूछिए और इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने आप लोगों के लिए वेबिनार शेड्यूल किया है अब इस वेबिनार को ज्वाइन कैसे करना है तो भैया इस वेबिनार को ज्वाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा या फिर आप इस क्यू कोड को भी स्कैन करके एक का वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं अब चूंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है तो जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट जिनको ज्वाइन करना है कर लो क्योंकि बहुत ही मतलब लिमिटेड लोगों से ही बात किया जा सकता है आप पूरी की पूरी अस्सी हजार अपनी फैमिली उठ के आ जाए तो एक साथ में तो बात नहीं कर सकता बट ठीक है सीट लिमिटेड है जितने लोगों को ज्वाइन करना है जिनको नीड है कि कि भैया मेरे को जानना है आ, फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट आऊंगा मैं हेल्प करने वाला हूं आ, इस वेबिनार के थ्रू कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है तो देखो जिनका कल एग्जाम है पहले तो वीडियो छोड़ के जाके पढ़ाई करें या फिर पहले तो वो सो जाए अब पढ़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन जिनका एग्जाम नहीं है वो जाके रजिस्टर करें और फिर आगे का हम लोग बात करेंगे एंड एक बार मैं मैं एक बात और कहूंगा कि देखो चाहे तुम्हारा एग्जाम जैसा भी जाए अगर किसी के मन में हो कि भैया मैं एग्जाम छोड़ना चाहता हूं बिल्कुल मत छोड़ना अगर तुम बीस परसेंटाइल भी लेके आओगे ना तो उसको हम कही कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेंगे ये बात ध्यान से समझना <laughs> क्योंकि यार देखो वैसे बीस परसेंटाइल तो कुछ परसेंटाइल नहीं है लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बीस परसेंटाइल पर भी एडमिशन देते हैं तो तुम तुम ज़्यादा शर्म में मत आना मुझे लगता है उससे तुमसे ज्यादा उन्हें शर्म में आना चाहिए कि उनके कॉलेजों की रेपुटेशन इतनी गिरी हुई है कि बीस परसेंटाइल पर भी एडमिशन देना पड़ रहा है ठीक है और तुम जितना भी कर सकते हो जी जान लगा के करना एडमिशन की चिंता कोई मत करना जो मेरे तरफ से बेस्ट सजेशन होगा एक ही कॉलेज तुम्हारे लिए मैं ढूंढ के रख दूंगा है ना क्योंकि यूपी में में इंड, में में बिहार दिल्ली अदर स्टेट चंडीगढ़ में हरियाणा में में uh, में मतलब इन सारी स्टेट्स ऐसे ऐसे कॉलेज हैं यार जो सिर्फ जेईमेन में कोई बैठ जा रहा है उसको एडमिशन दे दे रहे हैं मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं प्राइवेट तो हर मतलब प्राइवेट तो तुम जेईमेन में ना भी दो तो भी एडमिशन हो जा रहा है समझ रहे हो तो कॉलेजों की कमी नहीं है तो एडमिशन के लिए तुम कभी भी चिंतित मत होना चिंतित होना तो सिर्फ और सिर्फ बढ़िया कॉलेज के लिए क्योंकि हमें फाइट मारनी है बढ़िया कॉलेज के लिए इंजीनियरिंग तो कैसे भी हो जाएगी है ना इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत कॉलेज है

प्लेसमेंट के लिए भी एफर्ट करना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा अच्छी फैकल्टी के लिए भी और अच्छा एटमोस्फियर के लिए भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तो फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम आज मेहनत करते हो तुम आज के एग्जाम में अपना बेस्ट देते हो या अगले आने वाले चार साल में अपना बेस्ट दोगे इट्स अप टू यू क्योंकि भैया ये दुनिया ऐसी ही चलती है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और एक बात और भाई द बेस्ट जो लोग मेन का एग्जाम देने जाने वाले हैं उन सबको ऑल द बेस्ट और अगर अलीगढ़ में कोई आ रहा है किसी का सेंटर अलीगढ़ है तो भैया हम वहां मिलने वाले हैं हमारी होगी मुलाकात और जी जान लगा देना ऑल द दे बेस्ट गाइज तो चलिए मिलता है तब तक लिखा एंड हिंद